बीजेपी सभापति अमित शाह, बहुत सोच समझकर और बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज करने के बाद भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। छोटे व्यापारी अपने घर को चलाने में व्यस्त, गृहिणी, प्रामाणिक करदाता, किसान, मजदूर और गरीब सबके हितों की सरकार रक्षा करेगी और इस प्रकार की व्यवस्था भी करी है। 2.5 लाख से कम जिनके पास भी 500 और 1000 के नोट है उनको अपने बैंक अकाउंट में डालने में कोई आपत्ति नहीं है, ना उनको किसी भी इंक्वायरी या किसी भी प्रकार की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब है, छोटे व्यापारी है, इनको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 31 दिसंबर तक ये नोटों को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्वीकार कर दिया जाएगा तो किसी को हड़बड़ी का भी सामना करने की जरूरत नहीं है। दिसंबर के अंतिम दिन तक ये सारे नोट जो प्रामाणिक करदाताओं के हैं, छोटे लोगों के हैं, गरीबों के हैं, गृहिणियों के हैं, व्यापारियों के हैं, किसानों के हैं, छोटे व्यापारियों के हैं, वो सभी को स्वीकार कर लिया जाएगा। इसमें किसी को भी कोई हड़बड़ी में आने की जरूरत नहीं है। विगत 2 दिन से जिस प्रकार से बैंक और बैंक के कर्मचारी जनता का सहयोग कर रहे हैं, मैं हृदय से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध और एक स्वच्छ समाज बनाने की मुहिम जो नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू की है, उसमें मैं अपील करता हूं कि देश के सभी लोग इस मुहिम में जुड़े और इसका समर्थन कर उसको गति दें। पूरे देश में जहां जहां से भी फीडबैक मिल रहे हैं, सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी जहां जहां कमियां नजर आती है उसको तत्काल सुधार करने के लिए एक टीम बनाई है और वो टीम तत्काल उस पर निर्णय भी कर रही है। जैसे 3 दिन तक टोल टैक्स को माफ कर देश भर के सभी टोल नाकों पे जो व्हीकल्स थे उनको ये तकलीफ से मुक्ति देने का काम किया। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सरकारी अस्पताल, हर जगह पे पुराने नोटों को स्वीकार किया गया है। सरकारी भुगतान जितने भी है, चाहे वो टेलीफोन का हो, बिजली का हो, पानी का हो, उसमें भी पुराने नोटों को स्वीकार कर लिया गया है और एक अच्छी सुचारू व्यवस्था के माध्यम से ये परिवर्तन को स्वीकृत कराने का संवेदनशील प्रयास किया है। फिर भी हो सकता है कि कुछ तकलीफ पड़े। मैं आज देश की जनता को अपील करने आया हूं कि एक बहुत बड़ा फायदा देश के अर्थतंत्र को हो, ऐसा कठोर कदम भारत सरकार ने उठाया है। हो सकता है लंबी लाइनें लगी हो, शुरुआत में एटीएम में से नोट निकालने में कोई तकलीफ भी पड़ती हो, उसके प्रति सभी संवेदना रखते हुए मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार के इस साहसी कदम को जनता समर्थन दे, क्योंकि देश के अर्थतंत्र से फर्जी नोट, जाली नोट निकालना और काले धन को निकालना ये बहुत जरूरी है। एक ऐसा नासूर बनकर ये हमारे अर्थतंत्र को पीड़ा दे रहा है जिसके रहते देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मित्रों, इसीलिए मैं आज अपील करने के लिए यहां पर आया हूं। एक और भी बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि 2 दिन से
अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया पूरे देश की जनता देख रही है, हम भी देख रहे हैं। इस फैसले से काला धन रखने वाले, टेररिस्ट, नकली नोट रखने वाले, उसका कारोबार करने वाले, नक्सलाइट, ड्रग कारोबारी और हवाला ऑपरेटर्स को दुख हो सकता है, वो तो मैं समझता हूं। मगर जिस प्रकार से राजनीतिक दलों में हायतोबा मची है, इसका मुझे आश्चर्य है। कल तक 7 तारीख तक जो सवाल पूछते थे हमें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने काले धन के लिए क्या किया, वो आज काले धन पर जो कड़ा प्रहार हुआ है उससे बौखलाए हुए।